जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अवध विश्वविद्यालय में बीएड सेकेंडरी का एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए बिना किसी देरी के दोस्तों बीएड सेकेंडरी का एक लाइव एग्जाम फॉर्म भरते हैं और वन बाई वन शुरू से देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है, कहाँ पर डिटेल्स नहीं डालनी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। अवध विश्वविद्यालय का ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर आ जाना है। अगर आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। नीचे आपको आना है आराम से स्टूडेंट कॉर्नर में। स्टूडेंट कॉर्नर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, ठीक है। इस एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये जो आपका ऑप्शन है एग्जामिनेशन फॉर्म का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। इसको अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आएंगे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पे एक बॉक्स बना है। इस बॉक्स में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉलेज एग्जाम फॉर्म 2023। ओके, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का हमको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे अब पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको अगर बीएड सेकेंडरी का भरना है, मैं यहाँ पे सेकेंडरी का भरूंगा, तो आप देखिएगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड पार्ट टू रेगुलर और पार्ट वन एक्स स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर वन में पिछले साल नहीं उसके पिछले साल इनका पूरा पेपर छूट गया है, या फिर वो एक्स स्टूडेंट है उनका सेशन कंप्लीट हो गया है फिर भी वो पेपर वन को देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बच्चे जिनका एक से ज़्यादा बैक लग गया वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। और रेगुलर बच्चे जो बीएड सेकेंडरी में जैसे आप हैं उसमें नो डाउट बीएड सेकेंडरी के जो रेगुलर वो साफ लिखा है बीएड पार्ट टू रेगुलर, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे आना है अंडर ग्रेजुएट, ऑब्वियसली बात है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद आपको कोर्स नेम में सिलेक्ट करना है, तो कोर्स नेम में आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा बीएड, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर उसके बाद आना है ईयर में पार्ट टू कर लीजिए क्योंकि आप पार्ट टू का फॉर्म भर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है प्रीवियस ईयर रोल नंबर या फिर यूआईएन डाल दीजिए। प्रीवियस ईयर रोल नंबर तो आपके मार्कशीट पे दिया होगा, वो डाल दीजिए यहाँ पे। और डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप दोस्तों सबमिट करते हैं आपका पूरा पेज यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, आपका पूरा पेज यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर और आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी रहेगी। आपको एंट्री क्या करना है, देखिए एंट्री क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहली चीज तो आपको यूआईएन करेंगे तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, अगर एंट्री हो रही है तो आप अपना यूआईएन डाल देंगे। दूसरा दोस्तों इनरोलमेंट नंबर, जैसे ही आप इनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट नंबर पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको डेटा भरने को आएगा, ठीक है। तो डेटा आप वहाँ पे भर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर क्या भरना है मैं अभी बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे नेम आपको नहीं भरना है, फादर्स नेम में कोई एडिटिंग नहीं होने वाली है, सुनीता देवी की मदर्स नेम में यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होनी। अब यहाँ पे दोस्तों एक नया ऑप्शन यहाँ पे खुल के आपको मिलेगा स्टूडेंट नेम हिंदी और फादर्स नेम हिंदी। तो अगर जिन बच्चों का ये यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने अपना नाम स्टूडेंट नेम और अपने पिताजी का नाम हिंदी में आप यहाँ पे भर सकते हैं। वैसे कई सारे बच्चों को यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड मिलता है। ओके, समझ में आ रही बात। तो अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है कि फिल्ड करना है तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, अगर ऑप्शन नहीं दिखाई देता है फिल करेंगे तो नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों को फिल्ड रहते हैं, कुछ सारे बच्चों को यहाँ पे फिल करने के लिए दिखाई देता है। ओके, बस अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है बच्चों। सारा जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी लॉक होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप में अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अगर आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर लीजिए, नहीं पता है तो नॉट नो कर लीजिए, दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आ गई भाई। अब आपको सिंपली आ जाना है, उसके नीचे आपको कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करनी है, आपको सिंपली आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा होगा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पे यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे एड पेपर, एड पेपर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना ये तीनों सब्जेक्ट खुल के आपको आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको एड पेपर कर देना है। उसके बाद अगर आपने एनएसएस किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। ज़्यादातर बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप क्या कर लेंगे, नो कर लेंगे। नो करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। याद रखिए एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये एक बार में आपको एडिट करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनरोलमेंट नंबर की। सबसे मुख्य जो बात है वो है इनरोलमेंट नंबर की, इनरोलमेंट नंबर क्या बात है। प्रोसेस समझ में आ गया, कुछ नहीं, आप प्रीवियस ईयर रोल नंबर डालिए और अपना नाम और पिताजी का नाम हिंदी में डालना है। अगर ऑप्शन आ रहा है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ब्लड ग्रुप अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर दीजिए, नहीं करना चाहते वैसे छोड़ सकते हैं। अब आइए मोस्ट पॉइंट है कि इनरोलमेंट नंबर में हम क्या भरें। देखिए अगर आप इनरोलमेंट नंबर नहीं भरते हैं और फाइनल सबमिट कर देते हैं तब भी आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके साथ समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि जब आपका रिजल्ट आएगा उस पर इनरोलमेंट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालते हैं तो आपके रिजल्ट में इनरोलमेंट नंबर आएगा। अब ये आपको कैसे मिलेगा, तो दो कंडीशन है। पहला कि या तो आपने अपना ग्रेजुएशन जो है स्नातक अवध विश्वविद्यालय से ही किया हो,
अगर आपने अवध विश्वविद्यालय से ही स्नातक किया है तो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा। बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया है उस पर देखिए, वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर पंजीक्रम क्रमांक संख्या वहाँ पे लिखा रहेगा। चूंकि आपका विश्वविद्यालय समान है इसीलिए पंजीक्रमांक संख्या समान होगी, एनरोलमेंट नंबर समान होगी, उसी एनरोलमेंट को यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने जो स्नातक ग्रेजुएशन है बीए बीएससी एमकॉम बीकॉम आपने दूसरे विश्वविद्यालय से किया है, तो दोस्तों आपने अगर दूसरे विश्वविद्यालय से किया है तो फिर आपको अवध विश्वविद्यालय से एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। एनरोलमेंट नंबर कैसे लेना है? इसके लिए ऑनलाइन एक फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, 200 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। उस फॉर्म की कॉपी और आपके विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ध्यान से सुनिए, 200 रुपये का एक फॉर्म भरा जाएगा एनरोलमेंट नंबर का, उस फॉर्म की कॉपी और प्रीवियस ईयर्स के मार्कशीट, ठीक है, जो भी आपका बी ए बी एस सी रहा उसके मार्कशीट, अगर 3 साल का है तो 3 साल के फोटो कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। फाइनल ईयर में अगर सारी चीज़ें अपडेट है सारे साल के तो आप उसको ले लीजिएगा, आपको ये ले लेना है। और खास तौर पे प्रीवियस विश्वविद्यालय की माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, ये 3 चीज़ आपको लेके जानी पड़ेगी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में आप सुबह जाएंगे, थोड़ी देर में शाम तक आपको या फिर 1-2 घंटे में आपको इन्वॉल्वमेंट नंबर मिल जाएगा और उस इन्वॉल्वमेंट नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये बात, इसी बात के लिए, इसी काम के लिए मैं खुद आज विश्वविद्यालय गया था और खुद मेरी विश्वविद्यालय की मैम से बात हुई। एक मैम थी जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में रहती है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि आप अगर दूसरे विश्वविद्यालय से हैं और आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर नहीं है तो आप अपने पुराने विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपने पुराने स्नातक के हर एक वर्ष के मार्कशीट ले आइए, उसकी फोटोकॉपी और माइग्रेशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास ले आइए, 200 रुपये का ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, वो ले आके जमा कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 सवाल है, ठीक है। पहला इस बात पे भी बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों ने अवध विश्वविद्यालय से ही किया है और उनके मार्कशीट पर इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं ले, उनके माइग्रेशन से कुछ नहीं लेना है, बस पिछले साल का आप मार्कशीट ले लीजिए, ठीक है, और 200 रुपये का इनरोलमेंट नंबर का फॉर्म भरिए ऑनलाइन और वहाँ पे चले जाइए। अब यहाँ पे 2 सवाल ये है, पहला कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा, दूसरा हमें फॉर्म कैसे भरना है और क्या भरना है। सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको पुराने विश्वविद्यालय से मिलेगा, आप उनके वेबसाइट पर जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। अगर उसमें टाइम लगता है या लेट लगता है तो मैम ने साफ कहा है कि अगर किसी बच्चे के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो विश्वविद्यालय आए, ऑनलाइन फॉर्म भर के आए, वो बात करें, हम उन्हें हल बताएंगे कि कैसे आपको एनरोलमेंट नंबर मिल सकता है। बात समझ में आ रही? कुछ चीज़ें हम साफ यहाँ पे बता देते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती। तो अगर आपका नहीं है, आपके पास नहीं है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर भी आप विश्वविद्यालय जाइए, मैम से मिलिए कि मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय से मिला था, हमने कहीं जमा कर दिया या फिर हमसे नहीं मिल पा रहा, तो मैम बताएंगे आपको क्या करना है, आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर वहाँ से मिल जाएगा, नो डाउट आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हैं, मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, विश्वविद्यालय के सामने तमाम साइबर कैफे वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 200-250 रुपये लेंगे, और मतलब 200 रुपये तो फॉर्म का ऑनलाइन पेमेंट करना है, 50 रुपये वो स्वयं भर देंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है, और मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे भरना है, हालांकि दूसरे वीडियो में वहां से आप स्वयं भी भर सकते हैं, वैसे विश्वविद्यालय के सामने तमाम ऐसे साइबर कैफे वाले वो 5 मिनट के अंदर भर देंगे और वो ले जाके आप मैम को जमा कर दीजिएगा एग्जामिनेशन ब्रांच में। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेम डे में इन्वॉल्वमेंट नंबर दे देंगे, आप यहाँ पे डाल देंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप अपने बीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं, समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ करने के बाद आपको दोस्तों सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद फाइनल पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स निकलेगी उसकी प्रिंटआउट आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। तो बस ये सारा प्रोसेस है आपका बीएड सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने का। ओके, कोई असुविधा नहीं। क्या चीज़ें समझ में नहीं आई? फॉर्म भरने में तो कोई असुविधा नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। मेन समस्या यही थी इन्वॉल्वमेंट नंबर की। इन्वॉल्वमेंट नंबर आप जरूर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। देखिए वास्तव में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो काम है ना, ये काम महाविद्यालय यानी कॉलेज करना चाहिए, लेकिन कॉलेज थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। लेकिन आपके करियर की बात है, आपके फ्यूचर की बात है, एक बार अगर आप मिल लेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी, तो मार्कशीट पर दोबारा अपडेट नहीं कराना पड़ेगा, वो आपकी मार्कशीट पर लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, चाहिए एक दिन विश्वविद्यालय को भेज कर लीजिए, आप चले जाइए या किसी और को भी भेज सकते हैं, उसमें कोई असुविधा की बात नहीं। डॉक्यूमेंट के साथ आप किसी और को भी भेज सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कई सारे बच्चे हैं तो आप किसी कॉलेज के फैकल्टी को भेज दीजिए,
आप किसी को भी भेज सकते हैं, इस तरीके से आप इनरोलमेंट नंबर पाके यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी कोई भी असुविधा होती है आप हमें कमेंट में पूछिए, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर कोई समस्या कोई असुविधा आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।